गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का सामने आया है, जहां पर इन दिनों पानी को लेकर शहर के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेता पानी की समस्या को राजनीतिक अमलीजामा पहनाने में लगे हुए हैं। भाजपा पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने से उनके वार्डों में पानी नहीं दिया जा रहा, तो वहीं कांग्रेस निगम भाजपा परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निगम की व्यवस्था को फेल बता रहे हैं। वहीं पानी की समस्या से जूझ रहे सरोजनी नायडू वार्ड के पार्षद पति अपने वार्ड के लोगों के साथ निगम पहुंचकर आत्मदाह करने की धमकी भी देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या से निजात नहीं मिला तो वे खुद को आग लगा लेंगे। मेरे वार्ड में पानी 15 दिन से नहीं आ रहा है, जो मेरे को आश्वासन दिया जा रहा है शुक्ला जी को द्वारा और गुप्ता जी द्वारा और अपने कमिश्नर द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा, और 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जिससे तर तर पब्लिक हो रही है जो मेरे को बोल रही है। और मैं तो प्रेरित हो रहा हूँ सुबह 10 बजे से आके रात के 11 बजे तक के सिर्फ 4-5 टैंकर बट्टे है, उसमें पब्लिक का पूर्ति नहीं होती है। भाजपा के लोग विधायक देवेंद्र वर्मा की अगुवाई में जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने निगम आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम आयुक्त कांग्रेस के दबाव में काम कर भाजपा पार्षदों के क्षेत्र में पानी वितरण नहीं होने दे रहे। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन को बार बार डैमेज कर शहर के पानी का संकट खड़ा किया जा रहा है। इस मौके पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि व्यवस्थाएं और प्रबंधन ठीक नहीं है, इसलिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जब नेशन वन के संवाददाता ने उनसे बात की, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा पर पाइपलाइन में खराब पाइपलाइन लगाने का आरोप लगाया है। तो इस पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि अगर हमारी सरकार ने खराब पाइप लगाए हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार बैठकर झुंझुना बजा रही है? आपके माध्यम से ये बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होगा, जनता की सुविधाओं पर चोट पहुंचेगी, तो सबसे पहले आगे लड़ने वाला देवेंद्र वर्मा खंडवा शहर का पहला चौकीदार होगा। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, प्रबंधन ठीक नहीं है। अगर ये व्यवस्था प्रबंधन ठीक होता है तो जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अहमद पटेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि खंडवा में 116 करोड़ रुपए की लागत से बनी नर्मदा जल योजना को भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद इनके काले चिट्ठे खोले जाएंगे। 116 करोड़ की योजना प्लस 50 करोड़ क्या बोले अमृत योजना के नाम पे 160 करोड़ की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई। महापौर या तो इस्तीफा दे, हमारी राज्य शासन से मांगे कि इसको तत्काल बर्खास्त करे इस निगम को, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं दे पा रही है। अभी ये सिर्फ आचार संहिता का फायदा उठा रहे हैं, आचार संहिता खत्म हो जाने दो, इनके सब काले चिट्ठे खोले जाएंगे जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया नर्मदा योजना में। भाजपा का तो काम ही यही है, झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। अब देखना ये होगा कि नेता इस मामले को लेकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकते रहेंगे या फिर लोगों को पानी की समस्या से भी निजात दिलाएंगे। खंडवा से विजय तिर्थानी की रिपोर्ट।